जमीन मामले पर कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि तथ्यों से साफ है कि दान राशि में घोर महापाप हुआ। आप देखिए, दान राशि में भी घोर महापाप का आरोप लग गया है। सुरजेवाला ट्रस्ट का गठन कर बोले कि ट्रस्ट का गठन करने वाले पीएम चुप क्यों है। 2 करोड़ की जमीन चंदे से ली गई, जमीन 18.5 करोड़ में हो गई, फायदा किसको हुआ आपके सामने है। इन सबकी एक व्यापक जांच, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगला सवाल पीटीआई से संजीव है, मैं आता हूं आपके पास प्रशांत और संजय मिश्रा जी, इसके बाद आता हूं। संजीव प्लीज। रणदीप सुरजेवाला जो कि यहां पर साफ साफ आरोप लगाते हुए बीजेपी पर और राम मंदिर के लिए जो चंदा जुटाया गया उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का गठन करने वाले प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, वो इस पर जवाब दें, और कितनी जमीन औने पौने दामों पर खरीदी गई ये बताएं, देश के सवालों पर जवाब क्यों नहीं देते पीएम मोदी, ये आरोप लगा ये सवाल पूछती हुई कांग्रेस पार्टी। और देखिए, अब ये मामला काफी बड़ा हो रहा है, पहले समाजवादी पार्टी, फिर आम आदमी पार्टी, और अब कांग्रेस भी इस मामले में बीजेपी को घेर रही है। जारी रहना चाहिए, उसमें कोई अड़चन और दुविधा आनी ही नहीं चाहिए, परंतु अगर भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण पर करोड़ों करोड़ों लोगों द्वारा दिए गए चंदे, गरीब से गरीब आम जनमानस द्वारा दिए गए चंदे का सीधे सीधे दुरुपयोग होगा जैसे हो रहा है, प्रथम दृष्टि से साबित है, तो फिर उसकी जांच तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा करवाई जानी चाहिए, ताकि भक्तों की आस्था के प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों के अनुरूप और भगवान श्री राम के चरित्र के अनुरूप जो घोटालेबाज हैं उनको अपने घोर पाप और अधर्म की सजा अवश्य। धन्यवाद। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा है कि जो राम मंदिर के लिए चंदा बटोरा गया उससे घपला किया जा रहा है, प्रथम दृष्टया तथ्यों से तो यही साफ है कि दान राशि में घोर महापाप हुआ है और अब इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, ट्रस्ट का गठन करने वाले प्रधानमंत्री चुप क्यों है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।